ये हैं श्री विजय किशोर मोहंती। 2004 में सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। उस टाइम में पेंशन में बहुत डिफिकल्टी था पेंशन पाने के लिए। अभी डायरेक्ट हमारा पेंशन ट्रेजरी से चल जाएगा RBI, उसका बाद हमारा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। श्री विजय किशोर मोहंती की तरह ओडिशा के लगभग 2.5 लाख पेंशनधारियों की जिंदगी में अब इसी तरह की खुशहाली है। ओडिशा के लोगों की जिंदगी में आए इस बदलाव के पीछे राज्य में प्रशासनिक सुधार व जनहित की दिशा में उठाया गया कदम इंटीग्रेटेड ओडिशा ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम IOTMS। इंटीग्रेटेड ओडिशा ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत 12 दिसंबर 2009 को हुई। IOTMS राज्य के ट्रेजरी एंड इंस्पेक्शन डायरेक्टरेट के तहत 30 जिला ट्रेजरी, 127 उप ट्रेजरी, 8 विशेष ट्रेजरी और भुवनेश्वर स्थित एक साइबर ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा IOTMS को 40 प्रशासनिक विभागों, 204 नियंत्रक अधिकारियों, लगभग 6,967 ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अधिकारियों, DDOs तथा तकरीबन 386 मंडल अधिकारियों के लिए भी उपयोगी बनाया गया है, जिससे वे आवंटित बजट का वितरण एवं खर्च के एवज में ऑनलाइन चेक जारी कर सकते हैं। वेब आधारित सिस्टम की वजह से IOTMS का उपयोग विश्व में कहीं से भी इंटरनेट के जरिए 7 दिन 24 घंटे किया जा सकता है। ट्रेजरी पोर्टल 13 राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा 3 प्राइवेट बैंकों से जुड़ा हुआ है। इससे नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड ओडिशा ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम से राज्य में वित्तीय सेवाओं के मामले में जन सुविधाओं की वृद्धि के साथ साथ उच्च प्रशासनिक स्तर पर लेखा जोखा तैयार करने तथा योजना को तैयार करने में भी काफी सहूलियत हुई है। कोई भी नागरिक आज ट्रेजरी का पोर्टल को जाके अगर देखना चाहे कि फलाना विभाग का क्या बजट एलोकेशन है, कितना खर्चा हुआ है, कितना पैसा पड़ा हुआ है, किस प्रकल्प में खर्चा हुआ है, वो ये सब डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है और पब्लिक डोमेन में है। भारत सरकार ने 2012 में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट पोर्टल के तौर पर गोल्ड अवार्ड से पुरस्कृत किया। जनवरी 2012 के प्रथम सप्ताह में भारत सरकार की वेब डायरेक्टरी में साइट ऑफ द वीक घोषित किया गया तथा कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया निहलेंट अवार्ड कमेटी की ज्यूरी ने G2G श्रेणी से सम्मानित किया। इंटीग्रेटेड ओडिशा ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम IOTMS प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत की दिशा में एक सफल पहल कदमी।